नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल फ्राई। बहुत ही इजी वे में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से दाल फ्राई बनाती हूँ, जिससे कि हर कोई बहुत ही ईजी तरीके से ये रेसिपी जो है वो ट्राई कर सके। इसलिए मैं बहुत ईजी तरीके से आपको दिखा रही हूँ, बिना लहसुन और हींग के मैं ये दाल फ्राई जो है वो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन गर्म कर लिया है, उसमें मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मस्टर्ड ऑयल की जगह कोई और ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल ही में ज़्यादा टेस्ट होता है, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ये मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून जो है वो ज़ीरा ऐड कर लिया है और एक लाल सूखी मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। अगर आप तीखा बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप और भी सूखी लाल मिर्च जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमें हरी मिर्च जो है वो ऐड करना है, इसलिए मैं सूखी लाल मिर्च जो है वो एक ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल बारीक कटा हुआ एक बड़ा प्याज मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि मैंने अच्छे तरीके से बारीक कट कर लिया है। इसको 30 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा ही सॉफ्ट होना है, ब्राउन कलर नहीं लाना है हमको, जस्ट थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट हो जाए ये, तो हम इसमें एक बड़ा साइज का टमाटर जो हमने चॉप कर लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जस्ट थोड़े से टाइम के लिए, जस्ट एक मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। टमाटर जो थोड़ा सा हल्का हल्का सा जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें हरे पके लाल मिर्च जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हरे पके लाल मिर्च जो है वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। करने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम में ही 2 मिनट के लिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए 2 मिनट बाद थोड़ा सा अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़े से करके मसाले में मैं बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बनता है बहुत टेस्टी। इसमें मैंने हाफ टी स्पून अभी हल्दी पाउडर ऐड किया है। हल्दी पाउडर को थोड़ा सा जैसे ही दूंगी तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ये हल्दी जो है वो थोड़ा सा जल जाने का इसमें डर होता है, इसलिए हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा पाउडर दे के भी हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पहले नमक दीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा नमक हो जाएगा तो ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए टेस्ट करके बाद में आप इसमें नमक जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और मैं इसमें हाफ टी स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर से जो है वो रंग अच्छा आता है एक तो, और दूसरी बात जो है वो टेस्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंस आता है, बहुत ही अच्छा सा एक टेस्ट आता है इसमें, इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको शुगर पसंद नहीं है तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसमें डालती हूँ जिससे कि रंग और टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें मसूर की दाल जो है वो मैंने पहले से ही बॉईल करके मैश करके रख लिया था। ये मसूर जो है, मसूर की दाल से मैं ये दाल फ्राई बना रही हूँ, जिससे कि आप हर कोई ये रेसिपी ट्राई कर सके, इसलिए मैं ये आपको मसूर की दाल से दिखा रही हूँ। मसूर की दाल को अब हमें अच्छे तरीके से फ्राई करते रहना है और ये हमें हाई फ्लेम में करना है, अभी मीडियम फ्लेम नहीं, हाई फ्लेम में हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। चलाते चलाते ये हमें एकदम सुखा लेना, ड्राई कर लेना है। उसके बाद जैसे ये दाल जो है आपको लगे कि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड करना है। ये थोड़ा गाढ़ा बनता है, लेकिन पहले बार में थोड़ा सा पानी ज़्यादा दीजिएगा, जिससे कि ये जब बॉयल होगा ये पानी जो है वो सोक्ड कर लेगा, इसलिए हमको थोड़ा सा बिल्कुल एकदम स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा देना होगा। ये देखिए यहाँ पर लगभग जो है दाल फ्राई बन चुकी है। अब लास्ट फिनिशिंग टच की बारी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मैंने अभी थोड़ा सा गर्म मसाला जो है वो इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा हल्का सा जस्ट गर्म मसाला हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया है।
थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें एक टीस्पून घी ऐड कर देंगे, बिल्कुल एक टीस्पून हम घी ऐड करेंगे, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप घी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक टीस्पून ही घी ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना हो गया, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है दाल। ये आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल, रोटी, नान, किसी के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी होता है। आज की ये रेसिपी बस यही तक, नेक्स्ट रेसिपी लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।